हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए। और आज भी दिन भर बदरी ही था, हमारे यहाँ धूप नहीं निकला था। पर कपड़ा जो है वो कल का है तो सूख गया है, और आज का जो कपड़ा है वो आगे वाले डाड़े पर मैंने डाला है, वो अभी नहीं सूखा है, तो उसको मैंने छत पे ही छोड़ दिया। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ क्योंकि रुपेश को ना भूख लग गया था, तो वो बोल रहा था मम्मी आज कुछ बना दीजिए आप हल्का सा, कि जब तक उसकी कोचिंग वाले सर आए उसके पहले मम्मी कुछ बना दीजिए मैं खा लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यही चीला बना देती हूँ, चीला कहिए या पकौड़ी कहिए, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, और मैं फर्स्ट टाइम ही बनाने जा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि इस रेसिपी को मैं किस नाम से, मतलब क्या नाम दूँ इस रेसिपी को। तो उसके लिए मैंने प्याज कट कर लिया है बारीक बारीक बिल्कुल, और दो प्याज मैंने कट किया था, और हरी मिर्च मैंने कट किया था, हरा लहसुन कट किया था, हरा धनिया कट किया था बस। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी मैंने इवनिंग से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, दिया वहाँ पे देखिए जल चुका है। और आज का जो डेट है 25 जनवरी है, दिन है वो मंगलवार है। तो अभी शाम का समय हो चुका है, दिया छवि ने जला दिया है, तुलसी जी के पास भी रखा ही है, गेट पे भी दिया रख दिया है, और रुपेश के सर आने वाले हैं। तो रुपेश बोल रहा था कि मम्मी और कुछ हल्का सा बना दीजिए, मैं नाश्ता कर लूँ उसके बाद फिर डिनर करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बना रही हूँ तो आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर की जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो सभी के घर में अवेलेबल होती हैं। तो अभी देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है प्याज, हरी लहसुन, हरा धनिया, और इसमें मैंने कट किया हरी मिर्च। और अभी चलते हैं किचन में, इस रेसिपी को बनाते हैं, और कैसे बनता है मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि आपके ब्लॉग जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो मैं बता दूं मैंने अपने आगे वाले वीडियो में भी बताया है रीज़न कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे प्रॉपर। और आज फिर से आप लोग को बता देती हूँ कि बच्चों के जो है वो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मतलब जो नेट है वो मेरा ख़त्म हो जा रहा है, और दिन भर जो मोबाइल फ़ोन है वो बच्चों के पास ही रहता है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक रुपेश का चलता है, दोपहर से शाम तक, मतलब शाम क्या 2-2.5 बजे तक छवि का चलता है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं मतलब ब्लॉग कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि फ़ोन इन लोग के पास ही रहता है। और जो नाइट का रूटीन है वो शेयर कैसे करूँ, नेट जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। बट अभी मतलब जब ये नेट ख़त्म हो जाएगा ना, दूसरा जब नेट पैक मैं डलवाऊँगी तो 2 GB का डलवाऊँगी, कि आप लोग को मैं मतलब अपना वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ, बच्चों की पढ़ाई भी होती रहे। तो इस वजह से मैं वीडियो अपना जो है प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ आप लोग को। और जब बच्चों की क्लासेस जो हैं वो मतलब स्कूल जो है ओपन हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएंगे, तो मैं वीडियो अपना डे का डालूँगी। ऐसे संडे सैटरडे को मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ और अपलोड भी करती हूँ। और चलिए आज से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को भी मैं कुछ ना कुछ देती रहूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं वीडियो जब यूट्यूब पर नहीं डालती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूँ, पहले बच्चे हैं फिर हमारा YouTube है। तो अभी पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई में है, तो पहले बच्चों का काम फिर मेरा काम। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। आप लोगों को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये रेसिपी भी आप लोग शेयर करिएगा, घर की चीज़ें से मैंने बनाया है तो आप भी इसे शेयर करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। अभी चलते हैं किचन में। अभी मैंने जितनी सब्जियों को काटा था उसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, यानी कि गहरे बर्तन में। और फिर मैंने इसमें 1 कप आटा लिया है और 2 चुटकी, मतलब आप 2 या 3 चुटकी ले सकते हो, साबुत जीरा, तो वो मैंने डाल दिया है। फिर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, जैसा नमक आप खाते हो आप अपने हिसाब से डाल लो। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है, बट उससे थोड़ा सा ये गीला हो, पर बिल्कुल गीला ना हो। अभी आप देख सकते हो कि मतलब मैंने कैसा रखा है, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से जो बैटर है वो हमें तैयार कर लेना है। फिर ये तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें कुछ पकौड़े के जैसा इसे फ्राई कर लेना है, छोटी छोटी बड़िया जो है मतलब बड़ियों के जैसा इसको फ्राई कर लेना है। तो अभी देखिए देखने में ये कितना यम्मी यम्मी लग रहा है, ये बहुत टेस्टी लगता है ये। अगर हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप झटपट ये नाश्ता तैयार कर सकते हो,
और खा सकते हो, और हल्की फुल्की भूख के लिए तो काफ़ी बढ़िया है, हेल्दी है। अब सिर्फ इसमें वेजिटेबल्स ही गए हुए हैं, आप अपने मन का गाजर गोभी कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चों को गोभी वगैरह नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और आप भी इसे ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। तो प्लेट लगा रही हूँ, आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। और अभी देखिएगा रुपेश ऊपर से दो पीस और रख लेता है, तो अभी रुपेश गया, फिर हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद अभी काफ़ी सारा काम है, बच्चों को ऑनलाइन क्लास का जो होमवर्क मिला है यानी कि छवि को खास करके, उसे मुझे कराना है। तो फ्रेंड्स अभी हमने नाश्ता कर लिया है और बच्चों को थोड़ा टाइम पढ़ा लूँगी, तो फिर उसके बाद से मैं डिनर की तैयारी करूँगी। क्या निकालो छवि अपना, तुम्हारा देख लें। तो अभी मैंने छवि को समझा दिया है, उसको जो होमवर्क मिला था वो कर लेगी, पर अभी छवि ही वीडियो बना रही है। मैंने बोला कि थोड़ा सा सूट कर लो, मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद जो मैंने समझाया वो तुम कर लेना। वीडियो बनाने के बाद वो अपना होमवर्क कर लेगी, मैंने उसे पूरा करा दिया था। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारे कपड़े देखिए फोल्ड कर लिए हैं और इसे अब मैं अलमारी में लगा दूंगी, फिर उसके बाद से डिनर की तैयारी होगी। तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि डिनर में क्या बनाऊंगी, पर सोच लूंगी, कपड़े अलमारी में लगाते सोचूंगी क्या डिनर बनाना है, पहले अलमारी में कपड़े लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जब मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो रुपेश बोल रहा है कि मम्मी आज आप आलू का पराठा बना दीजिए, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक हफ्ते पहले मैंने बनाया था, तो सोच रही हूँ चलो ठीक है आलू का पराठा ही बना दूँ। ये देखिए जीप कैसे कर रहा है, दिखाओ रुपेश कैसे कर रहे हो तुम, दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ, खाओ देखे, तो जब छुपा रहे हो तो छुपाते ही रहो, तब क्या नहीं दिखाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैं कपड़ों को फोल्ड करके लगा दूँ, फोल्ड तो कर लिया है, लगा देती हूँ अलमारी में। फ्रेंड्स अभी मैं कपड़ों को अलमारी में लगा लेती हूँ, और मुझे सबसे बुरा काम जो लगता है ना, यही लगता है कि कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में लगाओ, सबसे झंझट भरा काम होता है, पर क्या करें लगाना ही होता है। और ठंड में तो काफ़ी कपड़े निकलते हैं, अभी आप देख सकते हो अलमारी में भी कपड़े रखे हुए हैं, पर क्या करूँ लगाना ही है, और ठंड में कपड़ों को देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये छवि ना मेरे दुपट्टे से खेलती रहती है साड़ी पहन के, तो मैं उसको डांट भी रही हूँ और फिर उसे खोल के लगा रही हूँ, नए दुपट्टे ही ये खराब कर देती है। फिर किचन में आ जाती हूँ, सारी तैयारी करते हुए मैंने नहीं शूट किया वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता, और मैंने कई बार आलू के पराठे की रेसिपी शेयर की है आप लोग के साथ। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू का पराठा। तो बस मैंने ऐसे ही पूड़ी फ्राई करते हुए सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ, तो बैटर मैंने भर लिया है, लोई भी तैयार हो गई है, तो बस इसे प्रेस करके बड़ा करके हल्का सा बस बेलन इस पे फेर लूँगी। अब पूड़ी तैयार है फ्राई होने के लिए, तो ऐसे ही मैं सारी पूड़ियों को भर लूँगी और जितना ज़रूरत है उतना मैं बना लूँगी, बाकी रख दूँगी, हस्बैंड आएंगे तब उनके लिए बनाऊँगी, क्योंकि ठंड का समय है, बहुत जल्दी सारे खाने ठंडे हो जाते हैं, तो जब वो आते हैं तो उनका मैं उनके आने के बाद ही बनाती हूँ, बाकी हम लोग तो खा ही लेते हैं बना के। तो अभी पूड़ियों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जरा सा भी अच्छा लगा हो, कहीं से भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं दिखा रही थी आप लोग को कि देखिए कितनी फूली फूली जो पूड़ी है वो तैयार हो रही है, और रुपेश सूट कर रहा है, फिर जैसे ही पूड़ी मतलब बन गई थी तो वो सबसे पहले खाया था, उसके बाद छवि को मैंने दे दिया था, फिर मैंने भी खा लिया था। तो आज का ब्लॉग बस मैंने यहीं तक शूट किया, इससे आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बैटरी भी मेरी बैठ गई थी, दिन भर बच्चे लेके रहते हैं, फिर उनका क्लास का जो होमवर्क होता है वो कराते कराते बैटरी बिल्कुल मतलब डिस्चार्ज हो गई थी, तो इसलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड।